KSN 24 पल पल की खबर। कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग के निलंबित कार्यपालन अभियंता विनोद शंकर साहू के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों और आवंटित बजटों के व्यय की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की गई शिकायत के बाद राज्य स्तर की एक टीम का गठन किया गया है, जो कोरिया जिले की 3 विधानसभा मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और भरतपुर सोनहत विधानसभा में निलंबित कार्यपालन अभियंता के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की जांच करेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेन्द्रगढ़ के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने विनोद शंकर साहू के निलंबित होने के पहले ही उनके द्वारा की जा रही उदासीनता व लापरवाही को लेकर शिकायत की थी। पिछले महीने 23 सितंबर को कार्यपालन अभियंता विनोद शंकर साहू के पदस्थ रहने के दौरान ही बैकुंठपुर इलाके का खांडा जलाशय फूट गया था, जिससे किसानों की कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई थी। इस मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए सरकार ने कार्यपालन अभियंता विनोद शंकर साहू और SDO ML सोनी को निलंबित कर दिया था। अब सरकार ने 3 सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम बनाते हुए निलंबित कार्यपालन अभियंता के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों और आवंटित बजट के व्यय की जांच कराने की जानकारी सौरभ मिश्रा को पत्र लिख कर दी है। संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता साहू जी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहता था। वह अपने कार्यों के प्रति हमेशा लापरवाह रहते थे, इसलिए मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि उनके कार्यकाल में जितने भी नए निर्माण कार्य हुए हैं और जो भी बजट व्यय हुआ है, उन सभी की प्रदेश स्तरीय टीम बनाकर जाँच की जाए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इसकी जाँच किया जाए, जिसपे मंत्रालय ने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखते हुए इसकी जाँच करने की बात कही है, जिसकी सूचना मुझे प्रतिलिपि के माध्यम से दी गई है। आगे जैसे ही जांच। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।